हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे पिटोट ट्यूब के बारे में कि कैसे इसकी वर्किंग रहती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सॉरी, बहुत दिनों बाद हम वीडियो डाले हैं उसके लिए। तो सबसे पहले पिटोट ट्यूब क्या होती है? पिटोट ट्यूब एक मेजरिंग फ्लो डिवाइस है, मतलब फ्लो को मेजर करने वाली एक डिवाइस है। ये हमारे पिटोट ट्यूब यूज इन वाइड रेंज ऑफ फ्लो मेजरमेंट एप्लीकेशन सच एज एयर स्पीड इन रेसिंग कार्स एंड एयरफोर्स फाइटर जेट्स। मतलब ये हमारे फाइटर जेट्स में या रेसिंग कार में भी यूज होती है स्पीड मेजरमेंट के लिए। और इंडस्ट्री में ये हमारे एयर फ्लो मेजर करने के लिए पाइप में, डक्ट्स में, स्टैक में या लिक्विड फ्लो मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ये मोस्टली वहाँ यूज की जाती है जहाँ पाइपलाइन का डाया जो होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम पिटोट ट्यूब को यूज करते हैं। पिटोट ट्यूब और अनुवार एक तरह से एक ही चीज़ है, बस अनुवार में क्या है, आपके होल्स ज़्यादा होते हैं, पिटोट ट्यूब में होल्स एक ही रहता है। ये अभी हम बताएंगे क्या होल्स रहते हैं उसके बारे में। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को। पिटोट ट्यूब जो थी वो इन्वेंटेड करी थी हेनरी पिटोट ने, इसलिए इसका नाम पिटोट ट्यूब पड़ा। ये एक में सिंपल दिखाया गया है, ये अनुवार एक तरह से अनुवार है। अनुवार में क्या होता है, जो ये होल्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, पिटोट ट्यूब में जो ये होल होते हैं ये सिंगल होल होता है। ये मेन डिफरेंस रहता है पिटोट ट्यूब और अनुवार में, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह सेम रहती है। इसमें ये मल्टी होल्स रहते हैं और एक रहता है हमारा स्टेटिक प्रेशर के लिए, जो कि हमारे ये है स्टैटिक प्रेशर। ये लो प्रेशर ट्यूब है, ये मेरी हाई प्रेशर ट्यूब है, या इसको ये इंटरनल एवरेजिंग ट्यूब भी बोल देंगे। जब ये यहाँ से सारे होल से जाएगा तो इसका एवरेज होके ये यहाँ से ये ट्यूब में इधर चला जाएगा, और एक ये लो प्रेशर का ये चला गया, और इन दोनों का जो डीपी बनेगा उससे हम फ्लो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल वर्किंग है इसकी, कैसे काम करता है। The pitot tube installed in the flow stream presser, the direct presser at the contact pitot tube hole and a second measurement is required ring of static pressure. तो इसमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं हमें, डायरेक्ट प्रेशर मेजरमेंट जो ये हम इससे कर रहे हैं, और एक ये स्टेटिक प्रेशर मेजर जो कर रहे हैं वो हम इससे कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट्स गिव्स ए वैल्यू फॉर डायनामिक प्रेशर। द फ्लो रेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर ऑफ द प्रेशर। जो फ्लो रेट है वो कैलकुलेटेड करा जाता है स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर में, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अंडर रूट डेल्टा पी, जहाँ क्यू जो है वो फ्लो रेट है, के अनुवार फ्लो कोफिशियंट है, और डीपी का मतलब हो गया हमारा डिफरेंशियल प्रेशर, जो कि है हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। तो ये एक इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पिटोट ट्यूब का। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, स्मॉल एंड डू नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता, कॉस्ट लो होती है, लो परमानेंट प्रेशर लॉस होता है, इजी ऑफ इंस्टॉलेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, सिंपल टाइप्स कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट डायमीटर पाइप। तो ये इनका एडवांटेज रहता है। एक सबसे बड़ी एडवांटेज यही रहती है इसमें कि ये जो बड़े बड़े साइज के हमारे पाइप रहते हैं उसमें ऑरिफिस लगाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो उसकी जगह हम पिटोट ट्यूब लगा लेते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, फॉर्मिंग मेटल्स इन ए फ्लूड कैन इजिली क्लोक पिटोट ट्यूब एंड डिस्टर्ब नॉर्मल रीडिंग एज ए रिजल्ट। मतलब अगर आपके लिक्विड में कोई फॉर्मिंग मेटेरियल आ गया तो वो क्या होगा, पिटोट ट्यूब की जो ट्यूब है हमारी उसकी चोकिंग कर देगा, जिससे कि हमारी जो रीडिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। एक्यूरेसी इसकी लो होती है, लो रेंजेबिलिटी है, और सिंगल पॉइंट मेजरमेंट है ये। पिटोट ट्यूब इज फ्रेगल और डीपी सिग्नल जो होता है वो लो होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और एक ये हमारी ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल बुक है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, जो इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये परचेज करनी हो तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।